बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्वीट चीज़ समोसा बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर लें, और चाहे तो आप इसको रमज़ान में इफ्तार टाइम पे बनाएं या फिर टी टाइम पे इंजॉय करें। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने समोसा शीट्स ले ली हैं और इसको मैं कट कर लूँगी चार हिस्सों में। अब मैं यहाँ पर कीड़ी चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। छह से कर लें इसके, ये देखिए इसको ऐसे आपने टर्न करना है और ये इसके अंदर आपने चीज़ डाल देनी है पॉकेट बनाकर, और यहाँ से आपने इसको दबाकर इस साइड पे ये मैंने यहाँ पर एक छोटा चाय का चम्मच मैदा ले लिया और इसमें दो चाय के चम्मच पानी मिला दिया और इसकी पेस्ट बना ली है। तो ये इससे हम ये इसको सील कर लेंगे। ये देखें ये ऐसे छोटे से समोसे बन गए हैं। ये देखें फिर से ये इसको ऐसे टर्न किया और ये एक पीस ये इसमें डाल दिया, फिर ये यहाँ पे और यहाँ से ये ऐसे। ये देखें इस तरह मैं सब रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए समोसे मैंने बना लिए हैं, अब इसको एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी और इसमें से मैं आपको कुछ फ्राई करके भी दिखाऊँगी कि आपको इसको स्वीट कैसे बनाना है। आप इसको बना के 1 से 2 महीने फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको निकालें और फ्राई कर लें और इसका फिर सिरप बना लें। सबसे पहले मैं इसका सिरप रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया और इसके अंदर मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी। 2 चाय के चम्मच मैं इसमें अरगुलाब डाल रही हूँ और तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं इसको पका लूँगी। 5 से 6 मिनट मैंने इसको पका लिया है और ये हमारा सिरप रेडी हो गया। अच्छा, अब इस जो समोसों को हम रेडी कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है और ये मैं इसमें डाल दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो इसको उल्टा दूँगी। 1 मिनट में ये देखें ये फ्राई हो गए एक साइड से, दूसरी साइड से भी मैं इसको कर लूँगी और फिर ये बस रेडी हो जाएंगे। ये जो हमने सिरप रेडी किया था इसमें मैं जितने भी ये चीज़ समोसा ये डाल दूँगी और इसको अंदर थोड़ी देर के डिप कर दें। ये देखिए अब एक एक समोसे को पकड़ के मैं ये पिस्ता पाउडर में डिप करती जाऊँगी और ये रेडी हो जाएगा हमारा समोसा। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ समोसा रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस सनन नसाई से ली गई है। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ़ की आखिरी 10 आयतें पढ़ ले तो ये पढ़ना इसके लिए दज्जाल के फितने से बचाव होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।